Welcome students, welcome to the tele classes and digital initiative by Director of School Education Jammu. My name is Jhul Kishore, teacher from district Punch. So students, hum log start karne ja rahe hain subject mathematics for the class 10th. Aur again jo chapter hum log continue kar rahe hain wo hai hamara chapter number 4 and that is our quadratic equation. Okay students, aur iska aaj hum log start karne ja rahe hain video number 5. इससे पहले चार वीडियोस हम लोगों ने इस चैप्टर के डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो आगे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? यस, क्या? प्री नॉलेज टेस्ट. तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं ये हम लोगों ने पहले पॉइंट डिस्कस किए हैं और यही हमारे जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज जो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग उसमें भी यूज करने हैं हम लोगों को. ओके, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट की बात करी थी स्टूडेंट्स. डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, और उसी डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर हमने नेचर ऑफ द रूट्स की बात करी थी. क्लियर? तो उसी के बेस पर पहला क्वेश्चन है कि अगर डी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 तो नेचर ऑफ द रूट्स जो है वो क्या होता है? यस, एग्जैक्टली. रूट्स उस टाइम क्या होते? रियल और अनइक्वल होते. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन जो है, अगर इफ डी इज लेस देन 0 देन नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं? यस, वेरी गुड, दैट इज क्या है? अनरियल रहते हैं. तो उस टाइम रूट्स क्या रहते हैं? अनरियल रहते हैं, नॉट रियल रहते हैं, तब उस टाइम हम फाइंड नहीं करते हैं. और तीसरी कंडीशन इसमें है कि इफ डी इज इक्वल टू 0. तीसरा क्वेश्चन आपके लिए आ गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 निकलता है तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है? यस, उस टाइम रूट्स जो है वो क्या होते हैं? रियल भी होते हैं और साथ साथ में आपस में इक्वल रूट्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं आज की जो स्टार्ट करने वाले टॉपिक से. तो लास्ट टाइम 4.3 एक्सरसाइज की थी और उसमें हमारा जो हम लोगों ने डिस्कस करना है आज क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे. तो 11 क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे? द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स. टू स्क्वेयर्स है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स इज 468 मीटर स्क्वेयर. If the difference of their perimeter is 24 meter, तो उनके perimeter का जो difference है वो कितना है? 24 meter. Find the sides of the two squares. तो दोनों squares की क्या find करनी है? Sides find करनी है. तो condition समझ गए होंगे आपको. दो square हैं, एक छोटा एक बड़ा है. Clear? क्योंकि difference की बात भी करी है. तो उसमें तो उसकी जो condition दी गई है वो कौन सी है? कि the sum of the areas. तो उनके areas का जो square है वो किसके equal है जी? 468 है. और दूसरी कंडीशन है उनके जो पैरीमीटर का जो डिफरेंस है, ओके, वो कितना है? 24 है. तब उसकी स्क्वायर्स की जो है साइड जो है वो फाइंड करनी है. तो लेट अस सपोज लेट द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर कितना है? एक्स मीटर. ओके, अगर स्मॉलर स्क्वायर का साइड एक्स मीटर है तो स्टूडेंट उसका पैरीमीटर कितना होगा? क्लियर? 4 इंटू साइड होता है ना पैरीमीटर, तो पैरीमीटर कितना हो गया? 4 इंटू कितना? एक्स हो गया. एंड साइड ऑफ लॉन्गर जो लार्जर स्क्वायर है उसको मान लेते हैं वो कितना है? वाई मीटर. तो उस केस में उसका पैरीमीटर कितना होगा? 4y. ओके स्टूडेंट्स, तो उस टाइम बाय गिवन कंडीशन हमें क्या दिया है? दोनों के पैरीमीटर का जो डिफरेंस था वो दिया है कितना? 24. इसका मतलब 4x माइनस 4y, सॉरी पहले लेते 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 24. 4y इसलिए पहले ले रहे हैं 4x माइनस 4y, क्योंकि 4y वाला जो है वो हमारा बड़ा स्क्वायर है, इसलिए 4y माइनस 4x इज इक्वल 24. अभी जब 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर? y माइनस x इज इक्वल टू कितना? 24. एंड y माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया? 6. विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू x प्लस 6 आ गया. इसको मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब जो सेकेंड कंडीशन जो दी थी वो क्या थी? दोनों को जो साइड का स्क्वायर एरिया का एरिया जो है, क्लियर, द सम ऑफ द एरियाज. तो पहले का एरिया कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर. दूसरे का एरिया कितना बनेगा? वाई स्क्वायर. तो दोनों के एरियाज का सम कितना है? 468. तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468. तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में वाई की वैल्यू है. हमारे पास वाई कितना है हम लोगों का? एक्स प्लस 6 है. ओके, तो पुट कर लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग? एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468. अब यहां पे एक्सप्रेस 6 होल स्केयर है, मीन यहां पे आप अप्लाई करेंगे हम लोग क्या? ए प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो वेल स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इनको एक्सपेंड. तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी होल स्केयर, मीन्स ए स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 6,
प्लस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर मतलब सिक्स स्क्वेयर, एंड दैट इज इक्वल टू 468, एंड विच इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स टू जा कितना हो गया 12x प्लस सिक्स स्क्वेयर मीन्स 36, एंड राइट हैंड साइड में जो 468 है उसको आप ले आएंगे कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं हम लोग, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कितना हो गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 12 ऑफ एक्स, एंड 36 माइनस 468 तो ये बन जाता है हमारे पास माइनस 432 इज इक्वल टू जीरो। अब वैसे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए इक्वेशन को हम पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सो 2x स्क्वायर बाय 2 था, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कटेगा, तो हमारे पास बचेगा नीचे कितना एक्स स्क्वायर प्लस 12x था, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा कितना 6x माइनस 432 था, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है जी कितना 216, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये बन गई स्टूडेंट्स हमारे पास क्या अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे a कितना है 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, b मतलब कोफिशियंट ऑफ x वो कितना है 6, c वो कितना है हमारे पास नेगेटिव 216। सो डी फाइंड करेंगे तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac एंड दैट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर मीन्स 6 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है माइनस 216 एंड दैट इज इक्वल टू 6 का स्क्वेयर करेंगे तो 36 प्लस 206 नेगेटिव नेगेटिव तो हो जाएगा पॉजिटिव एंड 216 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 864 एंड दैट इज इक्वल टू 900। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 900 एंड दिस 900 इज ग्रेटर देन जीरो, सो वी कैन राइट कि डी इज ग्रेटर देन जीरो। और जब डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स क्या होते हैं, यस रियल एंड अनइक्वल, एंड गिवन एज एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 900 अपॉन 2 इंटू 1, सो विच इंप्लाइज दैट नेगेटिव 6 प्लस माइनस 900 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाई कितना 2 एंड दैट इज इक्वल टू, इसका मीनिंग समझ रहे ना प्लस माइनस का, तो एक बार ऐड करना और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नेगेटिव 6 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 एंड नेगेटिव 6 माइनस 30 डिवाइड बाई कितना हुआ 2, एक बार प्लस में करेंगे आप लोग एक बार माइनस कर दिया, तो पहले वाले में कितना आ जाएगा हमारे पास इट इज 24 डिवाइड बाई 2 एंड माइनस 36 डिवाइड बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू 12 एंड कितना हुआ जी हमारे पास माइनस 18। और ये माइनस 18 हम लोग क्या कर सकते हैं रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइड की बात करें तो साइड जो है वो नेगेटिव में जो है कभी नहीं होगी, तो देयरफॉर टू साइड्स, एक साइड हम एक्स की वैल्यू ले रहे हैं 12, देयरफॉर एक साइड जो है वो तो आ गई कितनी 12 और दूसरी साइड क्या थी हमारे पास 12 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 18, तो ये दो हमारी क्या आ गई साइड्स आ गई उन स्क्वेयर्स की, एक 12 है और दूसरी कितनी है 18 है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज आवर एक्सरसाइज 4.4। ओके जी, एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें जो कंडीशन मेन है वो क्या है, जो भी चीजें इसमें यूज करनी हम लोगों ने वो हम लोगों ने पहले बात करी थी, खास बात आया कि नेचर ऑफ द रूट्स की बात आएगी, और फर्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं अभी ना वो क्वेश्चन आपने तकरीबन पहले उस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। चलिए हम एक उस पार्ट ले लेते हैं उसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है फाइंड द रूट्स फाइंड करने, यहाँ पे कौन सा पार्ट है 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0, तो इसके रूट्स फाइंड करने, अगर रूट्स जो है वो क्या है रियल है तो ओके स्टूडेंट्स, तो कंडीशन पता है हम लोगों को सब इसकी, तो a कितना है यहाँ पे 2, b कितना है माइनस 3 और c कितना है यहाँ पे 5, तो क्या फाइंड करते हैं हम लोग d, तो d किसके इक्वल हुआ b square minus 4ac, तो फाइंड कर लेते हैं, तो बी की स्क्वेयर, बी स्क्वेयर मतलब माइनस 3 होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू बी कितना है 5, तो वो पुट कर दिया हम लोगों ने, अब कितना आ जाएगा 3 9 माइनस 40 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस या नेगेटिव 31 एंड नेगेटिव 31 जो है इट इज लेस देन 0, इसका मीनिंग यहां पे क्या आ रहा है कि डी इज लेस देन 0 और डी लेस देन 0 होने का मतलब क्या रहता है कि रूट्स जो है वो क्या है रियल नहीं है। तो हमने पहले भी बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि जब यहां पे 10th लेवल पे जब भी ऐसी कंडीशन आती है रूट्स रियल नहीं निकलते तो उनको हम फाइंड नहीं करते, बट हायर क्लासेस में आप लोग क्या करोगे उन रूट्स को फाइंड करना सीखोगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा ये पार्ट जो है वो खत्म रहता है, हम लोग सिंपली इतना लिखेंगे नो रियल रूट्स या रूट्स आर नॉट रियल, इसके जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं वो भी सेम है,
तो आप खुद से ट्राई करेंगे लोगों को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड. द सेकंड क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा इंटरेस्टेड. फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स. तो इक्वेशन दी गई है, उनको हमने क्या करना है, सॉल्व करके के की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर, सो दैट रूट क्या है, इक्वल आए. जैसे फर्स्ट पार्ट इसका है, दैट इज 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब यहां पे सेंटर में देखिए, मिडिल टर्म देखिए, k आ रहा है, और k की वैल्यू कौन सी पुट करें सो दैट रूट्स जो है वो क्या है, इक्वल आए. वो k की वैल्यू हम लोगों का क्या करनी है, फाइंड करनी है. तो उसके लिए स्टूडेंट्स देख लें, a कितना है यहां पे 2, b कितना है k, एंड c कितना है 3. नाउ फॉर इक्वल रूट्स, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट रूट्स जो है वो क्या हो, इक्वल हो. तो फॉर इक्वल रूट्स d की वैल्यू क्या होती है, d इक्वल टू 0. सो फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 मींस b² - 4ac इज इक्वल टू कितना, 0. एंड अगर हम सभी चीजें पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, b² मतलब k² - 4 इंटू a कितना है 2, इंटू c कितना है स्टूडेंट यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0. ये बन गया हमारे पास k² - 24 इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज इक्वल k² = 24. और k की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24. जिसमें k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24 या माइनस जो है स्क्वायर रूट ऑफ 24 होना चाहिए. अब स्क्वायर 24 लिखें या प्लस माइनस 2√6 लिख सकते हैं. ओके जी, ओके चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट पे नंबर 94 है. सो इट इज kx * x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0. तो पहले आप के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, के एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स को माइनस टू से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस टू के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे ए कितना है हमारे पास, मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू के है. बी कितना है, नेगेटिव ऑफ 2k बनेगा. और सी कितना है हमारे पास, 0 है. सो कंडीशन ये दी गई है हमें इक्वल रूट्स की. सो फॉर इक्वल रूट्स क्या कंडीशन रहती है हमारी, डी इक्वल टू 0 होता है. सो डी इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज दैट b² - 4ac जो है वो 0 के इक्वल है. अब पुट कर लें यहां पे, सो b² मींस माइनस नेगेटिव ऑफ 2k² माइनस 4a, a कितना है k इंटू c 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास आ गया 4k माइनस 6 फोर्जा कितना हो गया 24k इज इक्वल टू 0. तो 4k आप आउटसाइड ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, k माइनस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0. So, इधर 4k 0 होगा. अगर ऐसा होता है तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 0. k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अगर ऐसा है तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी. तो इसका मीनिंग ये रहा कि भाई जब कभी भी हमें गिवन इक्वेशन में k की वैल्यू 0 पुट करेंगे या फिर k की वैल्यू 6 पुट करें, दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे. आप चेक भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप k की वैल्यू 6 पुट कर लें चाहे, ठीक है, और d फाइंड करें, d 0 आएगा. और d का 0 आने का मतलब क्या होगा कि रूट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है जी, हाँ ओके स्टूडेंट्स. तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3. एंड क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स एरिया इज 800 m² एंड इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. तो हम लोग को बताना है कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रूव क्या वो पॉसिबल है जिसकी लेंथ जो है दैट इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. लेंथ जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ब्रेथ से दुगनी होनी चाहिए और एरिया कितना है, 800 m² है. क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव पॉसिबल है या नहीं है, अगर है तो उसकी साइड जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है. तो लेट अस सपोज कि ब्रेथ जो है वो कितनी है, एक्स मीटर है. और ब्रेथ एक्स है तो एज पर द कंडीशन, क्या कंडीशन गिवन है, तो लेंथ कितनी आएगी, ट्वाइस, दैट इज लेंथ कितनी आ जाएगी, 2x² आ जाएगा. तो एरिया कितना गिवन है हम लोगों को, 800 m², तो द एरिया व्हिच इंप्लाइज दैट लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800. तो व्हिच इंप्लाइज दैट लेंथ और ब्रेथ, लेंथ कितनी थी हमारी 2x और ब्रेथ कितनी थी x, सो 2x * x इज इक्वल टू 800. तो कितना बनेगा ये हमारे पास, 2x² इज इक्वल टू 800 एंड दैट इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू 400. ओके, 800 से 2 को डिवाइड कर लिया, तो व्हिच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 400. ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे हमारे पास आ गए x इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना, 20.
अब प्लस माइनस 20 आया है तो नेगेटिव तो ले नहीं सकते हम लोग, क्योंकि साइड है तो साइड नेगेटिव तो होगी नहीं। तो एक्स मतलब हमारा कितना आ गया 20, मीन्स ब्रेथ कितनी आ गई 20। अगर ब्रेथ 20 है तो लेंथ कितनी है ट्वाइस, तो 2x, तो 2 into 20 and that is equal to 40 meter. तो yes, क्या लिखेंगे आंसर वाला में? Yes, ऐसा rectangle part जो है या mango group जो है वो क्या है? Possible है. और इसकी length कितनी निकली? 40 meter, और breadth कितनी निकली इसकी? 20 meter. Okay जी? Well students, तो अब हम start करते हैं question number 4. Page number वही है आप लोगों का 94. Okay? So is the following situation possible? If so, determine the percentage. Condition क्या given है यहाँ पे? The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. तो ये situation दी गई है हम लोगों को. हमें check करना है कि क्या ऐसी situation possible है या नहीं है. और अगर ये situation possible है तो उन दोनों स्टूडेंट्स की या उन दोनों फ्रेंड्स की हम लोगों को प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड करनी है. कंडीशन क्या गिवन थी हम लोगों के? कि भाई दो फ्रेंड्स से उनकी दोनों की एजेस का जो सम है वो 20 इयर्स है. ओके, और 4 साल पहले की अगर उनकी एज लें दोनों की, तो उन्हीं दोनों की एजेस का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो कितना आता था? 48 आता था. अब बताना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है. सो लेट जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज जो है वो कितनी है? एक्स ईयर्स है. तो नेचुरली बात है दूसरे की एज कितनी होगी? सेकेंड फ्रेंड जो है उसकी एज कितनी होगी? क्योंकि दोनों एजेस का सम जो है वो 20 है. एक की एज अगर आपने एक्सपोज की है तो सेकेंड फ्रेंड की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स. ओके, तो 4 ईयर एगो. अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं 4 साल पहले. तो फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है 4 साल पहले वो कितनी थी? आज अगर उसकी एज एक्स ईयर्स है तो 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो जो है फर्स्ट फ्रेंड की एज जो है वो कितनी थी? एक्स माइनस 4 ईयर्स. और सेकंड फ्रेंड की कितनी होगी? तो सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज कितनी थी? 20 माइनस एक्स. तो 4 साल पहले कितनी होगी? माइनस 5 कवर कर देंगे आप लोग, तो ये बनेगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स एंड दैट इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स ईयर्स. ओके स्टूडेंट्स, अब जो कंडीशन गिवन है वो क्या है? कि 4 साल पहले जो दो फ्रेंड्स थे उनकी जो एजेस थी उनका प्रोडक्ट कितना था? 48. तो वही अप्लाई करते हैं. 4 साल पहले पहले फ्रेंड की एज कितनी थी? एक्स माइनस 4. दूसरे की कितनी है? 16 माइनस एक्स. तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 48. अब हम लोग क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं. तो एक्स को आप लोग जो है एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, या पहले एक्स को 16 से मल्टीप्लाई कर लें तो 16x. एक्स को एक्स से करें तो माइनस एक्स स्क्वेयर. माइनस 4 को 16 से करेंगे तो माइनस 64. माइनस 4 को एक्स से माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा, 4x आ जाएगा. ओके, इज इक्वल टू कितना? 48. तो ये बन रहा है हमारे पास नेगेटिव एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48. तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 64 राइट हैंड साइड में हमारा कितना है? 48 है. तो उसको हम ले आते हैं कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड में. ओके स्टूडेंट्स, अब ये बन रही है सिचुएशन हमारे पास क्या? माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 कितना हो गया? माइनस 112 एंड दैट इज इक्वल टू 0. और इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों के पास ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं. तो ए कितना हो गया हमारा? 1. ओके, तो बी कितना हो गया हमारे हम लोगों का? नेगेटिव 20. और सी कितना है? 112. तो क्या फाइंड करते हैं जी हम लोग अब? यस, डी फाइंड करते हैं. तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac एंड दैट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर. बी स्क्वेयर मतलब माइनस या नेगेटिव 20 होल स्क्वेयर. सो माइनस 4 इंटू ए कितना है? 1 इंटू सी कितना? 112. तो 20 का होल स्क्वेयर करेंगे तो कितना आएगा? 400 माइनस 448 एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 48. और ये नेगेटिव ऑफ 48 जो है इट इज लेस देन 0, है ना? क्योंकि नेगेटिव जो लेस देन जो है, नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, 0 से पीछे जा रहा है वो, तो इट इज लेस देन क्या है? 0 है. और इसका मीनिंग हमारा डी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? कि वो लेस देन 0 आ रहा है, मीन्स नेगेटिव आ रहा है. और जब कभी भी ये कंडीशन तो पढ़ी हम लोग ने, इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस करी हम लोगों ने, कि जब कभी भी डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो रूट्स क्या रहते हैं हमारे? नॉट रियल. अब इसका मतलब इस सिचुएशन में रूट्स जो है वो रियल नहीं.
तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो सिचुएशन गिवन है हम लोगों को वो पॉसिबल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि रूट्स रियल नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा था आपको, ऐसे रूट्स जो है आप लोग हायर क्लासेस पर्टिकुलरली इलेवंथ में करेंगे, इमेजिनरी रूट्स की बात आएगी। क्लियर? तो इस केस में हम ये लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल, हेंस द गिवन सिचुएशन जो है इज नॉट पॉसिबल। ओके जी, वेल स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ये थोड़ा सा मिलता जुलता है उसकी तरह। ओके, क्या क्वेश्चन है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, एंड इफ सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पाथ। तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो कंडीशन समझ गए होंगे, सिंपल सा ये रेक्टेंगुलर पाक है और उसमें जो पेरीमीटर है वो कितना है 80 मीटर और एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि क्या ऐसा पार्क पॉसिबल है या नहीं है। ओके, तो अब चलिए देखते हैं कंडीशन अप्लाइड। तो लेट सपोज करते हैं कि ब्रेथ जो है वो कितनी है, x मीटर है, और पेरीमीटर कितना गिवन है हम लोगों को 80 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, गिवन है ये। तो पेरीमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है 80। तो विच इंप्लाइज द लेंथ प्लस ब्रेथ कितना निकल गया, 80 डिवाइड बाय 2 दैट इज 40। तो विच इंप्लाइज लेंथ इज इक्वल कितना आ गया, 40 माइनस ब्रेथ, and therefore length is equal to 40 minus breadth, breadth मतलब x, तो 40 minus x meter। तो length और breadth दोनों चीजें मिल गई हम। अब जो है area कितना given है 400 and that is equal to length multiply breadth is equal to 400। तो length और breadth हमारे पास हैं, वो put कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 40 minus x into x is equal to 400। तो उसके बाद कितना left side में multiply कर लेते हैं, x को अंदर multiply करेंगे तो कितना आएगा 40x minus x square minus 400 is equal to 0। नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। और कैसे लिखेंगे इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू कितना 0। तो ये बन गई अब हमारे पास क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करेंगे कि जो कंडीशन ये पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल हुआ तो हम क्या करेंगे, आगे फाइंड करेंगे, नहीं हुआ तो देखेंगे। ओके, तो चलिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी इक्वेशन जो तो बन गई कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं हम लोग। ए कितना है जी 1, बी कितना है जी नेगेटिव 40, सी कितना है जी 400। ओके, सो डी कितना बना, बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू 400 एंड दैट इज इक्वल टू 1600 माइनस 1600 और कितना आ गया जी 0। और डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल गई 0। और डी की वैल्यू अगर 0 निकलती है तो रूट्स कौन से होते हैं जी, यस रियल और इक्वल। अब लोग चेक भी करेंगे कि यहां पे जो रूट्स निकलेंगे वो क्या आएंगे, इक्वल भी आएंगे। सो कैसे निकालेंगे रूट्स हम लोग, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू 40 और बी कितना है माइनस 40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी कितना है 0 अपॉन कितना आया 2a 2 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। तो एक बार हम लोग प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर देंगे, 40 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 एंड 40 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू कितना हुआ 40 डिवाइड बाई 2 एंड 40 बाई डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 20 एंड 20। तो दोनों रूट्स जो है वो इक्वल निकल रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब जो है दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल हैं। तो क्या बनेगा ये हमारे पास, ठीक है जी, क्योंकि हमारी लेंथ जो है वो कितनी बनी है अब, ठीक है जी, लेंथ कितनी बन गई हमारी 20 और ब्रेथ भी कितनी आई हमारी जी 20। लेंथ और ब्रेथ दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं कि जब लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हैं तो क्या है वो, यस ये आपके लिए क्वेश्चन भी है बट मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि क्या है, ये स्क्वायर बन रहा है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बात और कर सकते हैं कि आप इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं अप्लाई करें बट आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह से, ठीक है जी। स्टूडेंट्स तो अब यो हमारे 4.4 एक्सरसाइज तो होगी फिनिश, इट मीन्स जो क्वेश्चंस हम लोगों ने करने थे वो भी हो गए फिनिश। अब इस चैप्टर में जो मेन बातें हमें करी हैं उनकी एक समरी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस किया। तो पहली बात तो हम लोगों ने ये डिस्कस की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो हमने बात करी थी एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जो इक्वेशन होगी वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पे ए बी सी रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा जो मेन पॉइंट डिस्कस किया, हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तीन मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस किए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। द फर्स्ट इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोगों ने बात करी थी कि हम सॉल्व करते, एंड थर्ड बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था उसको हमने कहा था कि वो क्या है जी, हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमने बात करी थी कि डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके जी, और फिर बात करी हम लोगों ने किसकी, d की नेचर ऑफ द रूट्स को फाइंड करने के लिए। तो इसमें तीन कंडीशंस हमारे पास आई कि d इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस टाइम रूट्स जो है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। ओके, इट मींस रूट रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे। और अगर d जो है वो इक्वल टू जीरो होगा तो उस टाइम टू इक्वल रूट्स आएंगे, रियल और इक्वल रूट्स आएंगे। एंड थर्ड वन हमने बात करी थी कौन सी, कि अगर d जो है इट इज लेस देन जीरो मींस नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट्स। ओके जी, अब एक फिगर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ओके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये एक ग्राफ शो कर रहा है और ये पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं इसको हम लोग। अभी इसकी बात हम लोग डिटेल में नहीं की, बट इन फ्यूचर हायर क्लासेस में आप बात करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का पैराबोलिक ग्राफ बनता है। और ये मैंने इसलिए दिखाया आपको कि कुछ चीजें आपको रियल लाइफ में ऐसी दिखाएंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हूं। तो रियल लाइफ में जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं ब्रिज की, तो ब्रिज की जो शेप बनी है ये भी तकरीबन पैराबोलिक है, तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। साथ में ही हमारे पास जैसे बास्केटबॉल मूव करके जा रहा है, ट्रेजेक्ट्री बना रहा है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बन रही है, तो ये भी हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ बन रहा है। जैसे हेडफोन देख रहे हैं आप लोग एक पिक्चर में, तो हेडफोन भी अगेन वही रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और साथ साथ में जो है ये देखिए आप रेनबो देख रहे हैं, अब रेनबो अगेन जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो इस तरह से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी इसका ये मीनिंग नहीं कि खाली बुक्स तक ही है, आपने देखा होगा बहुत सारी वर्ड्स प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व किया। तो आप अगर अपनी डेली लाइफ में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लाते हैं तो आप बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो इजिली सॉल्व कर सकते हैं। और नेचर के अंदर या जो भी हमारा वर्ल्ड है इसमें आप अराउंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसे देख सकते हैं जिनमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं ना कहीं पर दिखेगी। ओके, तो एक यूजफुल टॉपिक था हमारे पास जिसको हमने, जिसका लास्ट वीडियो हम लोगों ने बात करी आज। तो आई होप इसको आप प्रैक्टिकल या रियल लाइफ में भी क्या करेंगे, देखेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स या अराउंड में जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चीज़ें हैं उन पे आप नज़र रखेंगे, इट मीन्स मैथमेटिक्स में नज़र रखेंगे, तभी आप मैथमेटिक्स सीख पाएंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप जो है आज की जो वीडियोस में जो भी बातें हमने डिस्कस की, जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए वो आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझी होंगी। ओके स्टूडेंट्स, और आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे उन क्वेश्चंस को, इनको आप घर में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब आज की असाइनमेंट तो ये बन सकती है एक कि भाई आप पूरे चैप्टर को क्या करें, अच्छे तरीके से रिवाइज करें, क्योंकि अभी जो है हमारा चैप्टर ये फिनिश हो गया है, तो देन पूरे चैप्टर को रिवाइज करें अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर भी एक जो है क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के लिए मिलेगा तो वो क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू, ठीक है, ओके बाय।